أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان والأرض وضواها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام صدق الله العظيم. هو عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله سمت نبي أبو جهل گیا آقا سے اس نے یہ کہا گر ہو نبی بدلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا سمت نبی أبو جهل گیا آقا سے اس نے یہ کہا گر ہو نبی بدلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا مٹھی سے پتھر بولا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? तय्यबा नज़ीर।
स्कूल का नाम द मिल्की वे गैलेक्सी स्कूल सिस्टम इस्लामाबाद। तो कितना अच्छा हो गया माशाल्लाह स्कूल को? सर अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं। तो बच्चों के वालदैन को शौर है? जब हमने स्कूल स्टार्ट किया था हमें काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वक्त के साथ काफ़ी बेहतरी आई है, काफ़ी अवेयरनेस आई है, तो अब हम कह सकते हैं कि वो काफ़ी वेल अवेयर्ड हैं। आप अच्छा हुकूमत आपसे तावन कर रही है खासकर ये कोरोना के याम? हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपना स्कूल रजिस्टर्ड भी करवाया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अफसोस से कहना पड़ता है कि अभी तक हमें गवर्नमेंट की तरफ से किसी किस्म की कोई फैसिलिटी कोई सपोर्ट मैसर नहीं आई। स्पेशली ये जो कोविड का पीरियड था ये काफ़ी टफ था हमारे लिए, क्योंकि पेरेंट्स भी क्योंकि वो भी अनएम्प्लॉयड हो गए थे, उनकी एम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो गई थी, तो इस वजह से वो लोग भी फीसिस पे नहीं कर रहे थे। सेकंड जो स्कूल प्राइवेट स्कूल्स हैं जो रेंटेड हैं जिनकी बिल्डिंग्स अपनी नहीं हैं उनके लिए खासा मसला था। हमने ये इशू उठाने की कोशिश भी की थी कि गवर्नमेंट हमें किस कोई फ़ंड या कुछ इस तरह की सपोर्ट दे, लेकिन उस पर किसी किस्म का कोई रिस्पॉन्स हमें नहीं मिला गवर्नमेंट की तरफ से। तो क्या चाहिए, क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट को ये चाहिए कि वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस स्कूल के लिए प्राइवेट स्कूल्स के लिए भी मरतब करे, जिसमें ये हो कि स्पेशली जब इस तरह का कोई डिज़ास्टर आता है तो कोई फ़ंड हो जिसके लिए बेशक वो हमें लोन ही प्रोवाइड करें, लेकिन वो इंटरेस्ट फ्री होना चाहिए। कुछ इस तरह का गवर्नमेंट को पॉलिसी बनानी चाहिए प्राइवेट स्कूल्स को सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू मैडम।